मामा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मामा घोटाला जिंदाबाद, मामा जिंदाबाद है, मामा जिंदाबाद रहेगा, शिवराज भाजपा सरकार फिर आएगी। मामा को श्राद्ध के समय में टिकट मिला है, मामा का श्राद्ध हो जाएगा इस बार। कमलनाथ के कहने से हो जाएगा, 150+ आ रहे हैं मामा, कमलनाथ अड़बड़िया हो, उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहा प्रत्याशी किसको चुनाव लड़ा जाए, किसको चुना। भाजपा ने चार तरक्की कर दिया, अभी कमलनाथ ने एक भी नहीं किया। श्राद्ध किसका होगा, मामा का, कमलनाथ का, कमलनाथ का, कमलनाथ का। मामा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मामा घोटाला जिंदाबाद, मामा जिंदाबाद है, मामा जिंदाबाद रहेगा, शिवराज भाजपा सरकार फिर आएगी। आज देखिए, आज आज सांसद जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी है मोदी। मामा शिवराज जी विकास गणेश सिंह, शिवराज जी विकास हार मान गए, मामा हरिद्वार जा चुके हैं, हार मान गए। कमलनाथ, कमलनाथ गए बैकुंठ, कमलनाथ चले गए बैकुंठ, मामा कमलनाथ गए बैकुंठ। मामा 150 लेके आ रहे हैं, मामा 150 लेके आएंगे, 150+ मामा लेके आ रहे हैं। सांसद को लड़ाना पड़ रहा है, जो जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, आज उनको विधानसभा का चुनाव। ऐसा ऐसी एक वजह, मुझे ऐसी एक वजह बताइए, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो मामा लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मामा का जवाब नहीं है इनके पास, इनके पास इसका जवाब नहीं होगा। पूछे जवाब दे, जवाब जनता ने इनको माइनॉरिटी नहीं दिया। क्या क्या मामा ने जनता को खरीदा, क्या एक मिनट, क्या मामा ने जनता को खरीदा? बार बार मामा क्यों, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। मैं तो कहता हूँ ना विकास के कारण मामा, मैं कहता हूँ विकास के कारण मामा। मामा ने ये भी बोला है कि फुटपाथ नहीं हटाइए, लेकिन इधर की फुटपाथ क्यों हटाई जा रही है? पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी तो यहाँ से कभी सिमरिया चौराहे कर ट्रैफिक नहीं हटा, इन्होंने संतोषी माता तक कांग्रेस। पूर्व भी कांग्रेस की सरकार थी, इनके जन्म के पूर्व की एक बार, 70 साल कांग्रेस है तो क्या किया 70 साल में बताए ना, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? मैं कहता हूँ सुने, जिंदाबाद मामा, जिंदाबाद मामा, जिंदाबाद मामा, जिंदाबाद मामा, जिंदाबाद। अच्छा सुनो, एक मिनट एक मिनट, कमलनाथ कह रहे हैं कि मामा को श्राद्ध के समय में टिकट मिला है, मामा का श्राद्ध हो जाएगा इस बार। उनके कमलनाथ के कहने से हो जाएगा, 150+ आ रहे हैं मामा, कमलनाथ अड़बड़िया हो, उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहा प्रत्याशी किसको चुनाव लड़ा जाए, किसको चुना। भाजपा ने चार तरक्की कर दिया, अभी कमलनाथ ने एक भी नहीं किया। हरा हजार मरीज है अस्पताल की, जाके व्यवस्था एक ही भाषण के कुशासन में ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है? मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ, मेडिकल सतना में एक बड़ी सांसद जी के द्वारा यहाँ एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की हुई है, और निश्चित तौर पर सतना जिले के मेडिकल मेडिकल कॉलेज की रोड चुनाव के बाद भाजपा केवल मामा केवल चुनाव के बाद भाजपा ऐसे डांस करेंगे, चुनाव के बाद ऐसे। मैं बात करता हूँ, आप बता, चुनाव भाजपा आवाज दबाते हैं, भाजपा केवल आवाज दबाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, मैं युवा हूँ यहाँ पे मध्य प्रदेश में। जब यहाँ के युवा ने रोजगार मांगा इस भाजपा की सरकार से, हम युवा इतने त्रस्त हैं, जब पटवारी का भर्ती निकलती है तो उसमें घोटाला होता है, वोट भाजपा को चाहे आज सतना जिले में मेडिकल स्वास्थ्य की, आज जो मेडिकल कॉलेज आपने सतना में आज जो आया है, आज पूरे विंध्य में पहला, निश्चित तौर पर सतना में आज अच्छा विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी काम बीजेपी ने किया है, बहुत सारे मुद्दों में उन्हें काम किया है। कमलनाथ कह रहे हैं मामा ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, उनका कहना अलग है। आज 1,00,000 करोड़ का कर्जा है इस प्रदेश के ऊपर, देश में सर्वाधिक बर्बाद। एक मिनट,
कहती मेरे पास पैसा नहीं है, कांग्रेस कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, मामा पैसा कहीं चला था हम लोग कहते। अच्छा दिग्गी राजे का कार्यकाल बताइए, दिग्गी राजे का विकास। लाइट ही नहीं थी पता, लाइट बोल दिग्गी दोहराएंगे दिग्गी राजा का क्या जीवन भर दोहराएंगे? अरे कुछ भी हो मैं कहता हूँ, लेकिन दिग्गी राजा कार्यकाल आज हम गड्ढे रहे। सुनिए मध्य प्रदेश में बिजली बनती है, 9 रुपए यूनिट मिलती है। कांग्रेस के सरकार में ऐसी बिजली आती थी कि बिजली छूलने के बाद भी करंट नहीं लगता था। आज भाजपा सरकार थे रोडों में, एक गड्ढे थे। मैं पढ़ने वाला हूँ 2004 का मटर है, एक गड्ढे थे तीन में, एक गड्ढे मैं पैदल जाता था। लाइट हम लोग ऐसे मुनर देते थे। आप सतना से रीवा को देख लीजिए ना, सतना से रीवा को देख लीजिए, विकास है कहीं ना कहीं, वो संभाग है, सारे अधिकारी वहाँ रहते हैं। अगर विकास देखना है तो, अगर आप लोगों को विकास देखना है, सतना 20 साल पीछे हो गया है, रीवा चले जाइए आपको विकास दिखेगा। और जिला होने के, जिला मैयर होने के बाद पूरी सुविधाएं मैयर चली गई हैं। कौन अभी सुने मैयर अपना, मैहर अपना जिला है, सतना पुराना जिला है, सतना के विकास पहले भी था, आज भी चालू है, और मैहर अभी नया जिला है, उसका विकास होगा, उसमें कोई एलर्जी रखता वो गलत बात है, एलर्जी रखे लोगों महिला भाजपा को अपने सांसदों को उतार रहे। कांग्रेस अभी तो निर्णय नहीं ले पाई कौन प्रत्याशी आएगा, भाजपा ने कहीं ना कहीं निर्णय तो ले लिया। सब एक चीज सुनिए तो, ये एक सेकंड, भाजपा हम पितृ पक्ष में टिकट का बंटवारा नहीं करते, टिकट नहीं देते। भाजपा अपने आप को असली हिंदू बताती है, हम हिंदू पितृ पक्ष में कोई स्वीकार नहीं करते। इन्होंने मंदिर का शिलान्यास कर दिया, इतने ढोंगी हिंदू हैं ये, क्या इनमें से खड़े एक भी लोग बताए क्या ये पितृ पक्ष में कोई शुभ काम करते हैं? बिल्कुल बताए। मातृ पक्ष का मतलब होता माता पिता का सेवा, और ऐसे कौन कहता है भैया, कौन कहता है मातृ पक्ष, जो आपने जो बोला ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप मत बीच। श्राद्ध किसका होगा, श्राद्ध किसका होगा, मामा का, कमलनाथ का, कमलनाथ का, कमलनाथ का। मात पिता की सेवा करना कोई श्राद्ध कहलाता है? पिता की श्राद्ध करना माता श्राद्ध करना है? आप लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ श्राद्ध करने जाने नहीं, कमलनाथ का श्राद्ध होता है, कमलनाथ का श्राद्ध होता है, तय है, तय है। भाजपा की 150 के ऊपर, 150 के ऊपर, पिछली बार भी 150 का लिए तो उसमें जनता ने नकारा था, इस बार तो ये अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। असंभव है, आपकी सरकार, आपने सीट पाया, आप खुद गमा दिए, क्यों गमा दिए, आपने गलत काम किया, आप बंद कर दिए, किसान संबंधित बंद कर दिए, लाडली जो लाडली बच्चियों का शादी पैसा था आप उसको खा गए, आप कैसे सरकार चलाएंगे बताइए? आप तो खुद योजना बंद हो गई आर्मी में, जितनी योजना क्या करेंगे बताइए ना, आप बता रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं चलेगा यहाँ पे, स्थानीय मुद्दे चलेंगे, मोदी से दिक्कत है, मोदी शिवराज ये सब यहाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मोदी, नहीं चलेगा मोदी, चलेगा मोदी, मोदी को पीछे पूछता है, मोदी को पीछे पूछ रहा है, मोदी नहीं चलेगा, मोदी चलेगा, मोदी चलेगा, जादू चलेगा, जादू मोहन सरकार बनेगी यहाँ, डबल इंजन की सरकार फिर से बनने वाली है, और निश्चित तौर पर वो क्या मोदी के जादू मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, डबल इंजन हैंडल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका जादू अब खत्म हो गया, असंभव है, असंभव है, मोदी का जादू चलना है, बाकी है कर्नाटक चलता रहेगा, मोदी जादू, मोदी जिंदाबाद, शिवराज मामा जिंदाबाद। क्या फ्लाईओवर बनना गलत है? अगर अगर इसे भी फ्लाईओवर विकास कहलाता है तो हमारे पड़ोसी जिला में हर छह महीने में कितने फ्लाईओवर बन गए कोई गिनती नहीं है, ये कितने साल इस फ्लाईओवर देखिए, सतना जिला 16 लाख के आबादी का जिला है, इस फ्लाईओवर बनने के कारण घंटों भरूत नगर पे जाम लगा रहता है, ये इनका विकास, ये ऑटो वाले, रिक्शा वाले, सब्जी वाले हैं, जाम लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे बताइए, पार्टी क्या करेगी, पार्टी मामा का विकास पहुंचा है, मामा ने फ्लाईओवर बनाया है, ऑटो वालों को सिस्टम बनाया कि आप नीचे लगा के दुकान खोलो, जाम ना लगाओ। कमलनाथ कह रहे हैं मामा को खार देंगे इस बार, असंभव है, कमलनाथ क्या है, मामा जिंदाबाद, मामा जिंदाबाद, मामा जिंदाबाद।
विकास पुरुष वो है तो गुणगान विकास, अभी तक तो उसके पहले विकास नहीं आया। विकास पुरुषों है 20 साल में हम लोग 16 साल में हम लोग देख रहे हैं मामा ने क्या किया है। अब पहले क्या हुआ है 15 महीने उसके और 10 साल उसके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 17 की 17 शहर है, 17 की जनता है। विकास कोई नीचे से दिखा रहा है तो विकास कोई ऊपर से दिखा रहा है, लेकिन असली विकास और उसका परिणाम शायद दीपावली के बाद दिखाई देगा। किसका दिवाला निकलेगा और किसकी दीपावली मनेगी ये वक्त बताएगा। शुक्रिया।